ग्राम टाहपोटा में हमारी इंडिया स्पीक्स टीम ने जब दौरा किया तो क्या पाया आपके सामने है। आने के बाद ये विश्वास जगा था कि घोटाले मनमानी किसी हद तक रुकेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह है ग्राम टाहपोटा का बहुउद्देशीय पंचायती भवन। आइए इस नव निर्मित जो कि लाखों रुपए की लागत से बना है अंदर देखें इसकी दशा कैसी है। ये देखिए, ये अभी बन के तैयार हुआ है। दीवारों की दशा देखिए, छत गिरने को तैयार है। कितनी बुरी दशा हो रही है इसकी, जबकि अभी तक ये पूरी तरह से बनके तैयार भी नहीं हुआ है। कितना घोटाला हुआ है इसकी निर्माण में, लगता है सारा पैसा कहीं चला गया है। कहाँ, ये आप समझदार हैं। ये फर्श, जी हाँ, ये नए पंचायती भवन का नया फर्श है। दूसरा घोटाला, प्रधान जी ने ये सोलर लाइट लगवाई सांसद निधि से और सोलर लाइट का कनेक्शन सीधे अपने मकान में लगवा लिया। नियमानुसार इस सोलर लाइट को कहाँ होना चाहिए, इसको होना चाहिए था गांव के बीच में, लेकिन इन्होंने अपने मकान के सामने लगवाई और उसका कनेक्शन करा दिया अपने घर पे। जी हाँ, ये टाहपोटा की है बातें। आइए अब कौन से गाँव सदस्यों से बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो नाली जो बनी है अभी इनकम्प्लीट नाली है, इसमें प्रस्ताव हुआ होगा, प्रस्ताव पे क्या साइन करे थे क्या? हमने तो नहीं किए, पता ही नहीं था। हरसनंग जी, आप कौन से गांव में जो है मेंबर हो? पोटाखुर्द। अच्छा, ये जो नाली का और ये जो सोलर लाइट का प्रस्ताव हुआ था, क्या आप लोगों की बैठक हुई थी और इस पर साइन वगैरह करे थे, प्रस्ताव पास हुआ था? हम लोगों की बैठक नहीं हुई। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? जगदीश कुमार। कौन से गांव के प्रधान हो? टाहपोटा। टाहपोटा का ये जो सोलर पैनल और आपने नाली का बनवाया, प्रस्ताव पास करवाया था क्या? जी। लेकिन मेंबरों का कहना है कि प्रस्ताव कोई पास नहीं कराया गया, कोई बैठक नहीं हुई। हुई थी एक बार, मीटिंग करवाई थी। साइन कराया आपने इन लोगों के? हाँ, साइन सबके हैं उस पर। स्कूल ने प्राइमरी में करवाई थी तो। अच्छा, ये जो सोलर लाइट लगी आपके घर पे लगी हुई है, क्या आपके घर पे लगने के लिए आई थी? ना। और इसका कनेक्शन भी आपने जो अपने घर में ले रखा है, क्या कहोगे इस बारे में? क्या कहूँ, वो तो हटा दी, और क्या कनेक्शन वाली बात है। कनेक्शन आपके घर पे था या नहीं था? ना, नहीं लगा हुआ कनेक्शन आपके? वो तो तार तो है पड़ा हुआ, मैं अभी कह रहा हूँ। प्रधान जी, जो पंचायत भवन की चाबी किसके पास है? जी, उनके मिस्त्री के पास, ठेकेदार पास है। उनके पास क्यों है, आपने क्यों नहीं ली? मैंने कई बार चाबी मांगी, मुझे मिली नहीं चाबी। इसकी शिकायत आपने अपने उच्च अधिकारियों से करी? मैंने सचिव साहब से कई बार कही थी। क्या बोले वो? बोले चाबी मिल जाएगी, हम दिलवा देंगे, अभी तक नहीं मिली। टाहपोटा में देखा गया है कि जो पंचायत भवन बना है वहाँ पे लोग जुआ खेल रहे हैं, और प्रधान के लिए उसकी चाबी तक नहीं दी कि ठेकेदार, और उसकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी है, लिंटर वो अभी चटक गया, फर्श वो बैठ गया है, तो क्या कार्रवाई होगी इसके लिए? DPRO को आज ही भेज रहा हूँ, और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो किया जाएगा, और निर्माण संबंधी जो कार्रवाई होगी उसके लिए तकनीकी टीम भी भेजा जा रहा है इनके साथ। अच्छा, जैसा कि सोलर पैनल और नाली वहाँ पे जो गांव में बनी है, उसका जो मेंबर लोग थे उनसे भी बात करी गई, उन्होंने कहा हमें कोई प्रस्ताव नहीं करा गया, ना कोई बैठक करी गई। DPRO और टेक्निकल टीम कर लेगी। और सोलर पैनल की अगर हम बात करें तो प्रधान ने अपने घर पर लगा रखा है, उसकी लाइन अपने घर में खींच रखी है, जबकि वो सरकारी संपत्ति है। इन सभी बिंदुओं की जांच DPRO और उनके साथ जाने वाली टेक्निकल टीम करके आगे रिपोर्ट देंगे। DPRO खुद करेंगे सर? हाँ, DPRO खुद करेंगे, टेक्निकल टीम जाएगी। अच्छा, ये जो है जांच कब तक कंप्लीट हो जाएगी? एक दो दिन तो लगना चाहिए, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम तक रिपोर्ट आ जाए। आपने देखा कि CDO साहब ने DPRO महोदय को और दूसरे अधिकारियों को जाँच के आदेश दिल दिए हैं, लेकिन इन जांच के आदेशों से वास्तव में जांच होगी और क्या कार्रवाई होगी, इसकी सूचना हम आपको अपने अगले बुलेटिन में अवश्य देंगे। और देखते रहिए इंडिया स्पीक्स द एक्सचेंज।